सर गाइज, हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि लिनक्स को काली लिनक्स को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स में। तो गाइज आज हम काली लिनक्स पे ओवरऑल देखेंगे, काली लिनक्स को अपन सेटअप करने के बाद उसमें क्या है, तो ओवरव्यू काली लिनक्स का कैसे दिखता है और नया जो काली लिनक्स का अपडेट आया उस कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या टूल है, तो कि हैकर के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग में, वो सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में हम क्लियर कट करने वाले हैं। तो आई होप, मेरे को लगता है आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी, तो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा और आज ओवरव्यू देंगे हम काली लिनक्स का। सो आई होप, मेरे को लगता है गाइस आपको ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगेगा, सो आप वीडियो को आगे देखते रहे। सो गाइस, मेरा नाम है विष्णु मनोहर और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिपिन यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम सीखेंगे काली लिनक्स का ओवरऑल व्यू तो कैसा रहता है, आप आगे देखते रहिए। और हमने आपको इंट्रोडक्शन मतलब इंस्टॉलेशन काली लिनक्स का पूरा दे दिया था, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज हम सीखने वाले काली लिनक्स का ओवरव्यू, काली लिनक्स कैसे दिखता है, क्या कैसी चीजें होती है, क्या टूल होता है, टूल कैसे रन करता है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कचरा मचरा मस्ट्रेल जो कुछ है सब कुछ, तो आप मतलब एक बढ़िया तरीके के बहुत बेस्ट बढ़िया प्रोफेशनल इथिकल हैकर आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मायने रखती है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखना चाहिए, वो सारा सब कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो आई होप, मेरे को लगता है आप मजा करेंगे। ठीक है, तो अपना लिनक्स ओपन हो गया है, अपने को आईडी पासवर्ड मांग रहा है, हमने डिफॉल्ट पासवर्ड आईडी डाल दिया काली और डिफॉल्ट पासवर्ड डाल दिया हमने हमारा जो कुछ है वो। सो गाइस फाइनली ओपन हो गया अपना काली लिनक्स का मशीन जो वर्चुअल बॉक्स ने मैं अपन ने इंस्टॉलेशन आपको सिखाया था। इंस्टॉलेशन गाइस आप समझ गए हो, अभी आप आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें अपन क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें जितने भी प्री इंस्टॉल 500-550 से ज्यादा टूल आते हैं आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको टर्मिनल वगैरह सब चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। ऑप्सेक का ट्रेनिंग, ऑपेंसी सिक्योरिटी का आपको ट्रेनिंग भी इसमें मिल जाएगा कि ऑपेंसी सिक्योरिटी क्या क्या सर्टिफिकेट के आपको क्या क्या स्किल चाहिए सब चीजें। एक्सप्लोइट डीबी मतलब हम जिसको बोलते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस, तो एक्सप्लोइट डीबी के बारे में आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि वो क्या है। मैंने नेट कनेक्ट नहीं किया उसके बाद वो चीज होती है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर वगैरह सब नॉर्मल चीजें मिलती है। लेकिन गाइज एक चीज देखो आप इसमें, अगर आप जैसे क्लिक करेंगे ना जो ओवरव्यू में आपको इसको ऑल एप्लीकेशन जो आप नॉर्मली आप इसमें यूज करते हो वही, लेकिन आप इसमें देखेंगे ना जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जितने भी चीजें आती है मतलब एक लाइक हैकर को जितने इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जितने भी टूल्स वगैरह आते हैं सारे इसमें। डीएनएस एनालिसिस का आपको मिल जाएगा इसमें, अगर आपको ओशन करना है तो ओशन के लिए आपको स्पाइडर फूड करके बहुत बढ़िया टूल है, मल्टीगो करके बहुत बढ़िया बढ़िया टूल के बारे में आपको इसमें पता चल जाएगा, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी विक्टिम के बारे में। इसमें आपको एनमैप मिल रहा है, जो एनमैप इज अ बेस्ट टूल नेटवर्क एक्सप्लोरेशन के लिए, नेटवर्क या पोर्ट स्कैनिंग के लिए बहुत बेस्ट टूल है एनमैप। इसमें आपको नेट डिस्कवर मिल जाएगा, नेट डिस्कवर से जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप एक नेटवर्क कैसे चल रहा है, उस नेटवर्क में क्या चीज़ें कैसे चल रही है, तो ओवरऑल आपको एक नेटवर्क के बारे में सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए भी ये बहुत बेस्ट बढ़िया टूल है, वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा गाइज। सो मेरे को लगता है ना आपको इतने सारे चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगा ना कि अगर आप एक बहुत बेस्ट बढ़िया क्वालिटी के एक हैकर बन सकते हो, और मैं इसकी गारंटी श्योरिटी देता हूँ कि आप एक बहुत बढ़िया बेस्ट हैकर बन सकते हो। तो एक हैकर के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को हम दे देंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम आपको इसमें सिखाएंगे कि जिसकी मदद से आप एक बहुत बेस्ट बढ़िया हैकर बन सकते हो। ठीक है, तो गाइज और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए जितने टूल आते हैं, जैसे एनमैप तो सब इसमें आता है, वीओआईपी का टूल आता है जो वीओआईपी सर्वर वगैरह अपन बना सकते हैं जिसके लिए, फ्लोजिंग टूल आता है वेब एप्लीकेशन के लिए, इसमें आपको बब सूट आता है, बब सूट यो जो अपन इसको बब सूट को ओपन करते हैं तो बब सूट ये जो आ रहा है अपने को कम्युनिटी एडिशन वाला आता है, ये जेआरके इंस्टॉलेशन मतलब कुछ इंस्टॉल करने इसमें पैकेट्स वगैरह सब। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें वेब एप्लीकेशन में एसक्यूएल मैप वगैरह, देखो अपना बब सूट ऑन हो गया, अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो देखो बब सूट का जो कम्युनिटी एडिशन है वो अपना इसमें ऑन हो गया, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसमें प्रॉपर पूरा सेटअप करना पड़ेगा, तो ये जो टूल है ये इसके लिए यूज होता है जो वेब एप्लीकेशन होता है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में अपन और देख सकते हैं, इसमें अपने को एसक्यूएल मैप मिल रहा है, अपने को ऐसे बढ़िया, अगर आप डेटाबेस के बारे में देख रहे हैं डेटाबेस में आपको एसक्यूएल मैप आता है। पासवर्ड क्रैकिंग के लिए गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो क्रंच करके टूल है, तो ये क्रंच बहुत बढ़िया टूल है जिससे आप इससे वर्ड लिस्ट आप बना सकते हो, बहुत बेस्ट तरीके से आप इससे वर्ड लिस्ट बना सकते हो क्रंच से। ठीक है, और इसमें अगर अपन देखेंगे तो हाइड्रा करके भी अपने को इसमें टूल आता है जो अपने को पासवर्ड के लिए अपन यूज करते हैं, मतलब नेटवर्क के ऊपर अगर किसी को लॉगिन अटैक करना उसके लिए यूज होता है,
वर्ड लिस्ट आपको इसमें मिल जाएंगी, और इसमें अपने को अलग अलग हिसाब से पासवर्ड मिला ऑफलाइन अटैक करना, उसके लिए अपने को कौन कौन सा टूल लगेगा, जॉन द रिपर ये जो टूल है बहुत बेस्ट टूल है, बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, दे भी बहुत बेस्ट और सही टूल है जिससे अपन आप पासवर्ड कर ले, वायरलेस अटैक में लेके आप वाईफाई ड्राइवर पिक्सेट किस्मत 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 मत किस्मत नहीं है अपना, ये इंपॉर्टेंट है, एयरक्रैक इंजन जिससे हम वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट टूल है वाईफाई हैकिंग के लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जो टूल है वो है एक्सप्लोइटेशन के लिए, अपने कौन कौन से लिखे हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एमएसएफ जो पेलोड हम बनाते हैं एमएसएफ कंसोल करके, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें दिखाई जाएगी, इसको कैसे रन करते हैं। फॉरेंसिक के लिए आपको इसमें टूल मिल जाएंगे गाइस, तो ऑलमोस्ट आपको सब चीज के लिए इसमें आपको टूल मिल जाएंगे। तो गाइस अपन एक आधा टूल ओपन करके देखते हैं, जैसे देखो अपन ने राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, और अपन ने कमांड डाला सुडो सू वाला, तो सुडो का कमांड डाला, एंटर डाल दिया, अपन ने पासवर्ड मांगा, इसने पासवर्ड डाल दिया। तो अपन गाइस एक आधा टूल रन करके देखते हैं, जैसे मैंने आपने कहा मेटास्प्लॉइट को रन करते हैं, अपन ने इसमें लिखा है एमएसएफ कंसोल्स CONSOLE MSF कंसोल, मैंने जैसे लिखा और एंटर मार दिया, तो इसके बाद यहाँ पे एमएसएफ कंसोल का जो फ्रेमवर्क स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल, जो एमएसएफ कंसोल है मेटास्प्लॉइट वो अपना प्रॉपर रन हो गया गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो मेटास्प्लॉइट रन हो गया। इसमें अपन जैसे हेल्प लिखेंगे तो अपने को इसमें प्रॉपर इसकी पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएंगी कि इसको कैसे यूज करना है, सारी की सारी चीजें इसके रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज ये है एक बेस्ट टूल जिससे अपन एक्सप्लोइट कर सकते किसी के ऊपर, तो बहुत बढ़िया टूल है। और गाइज और किसी और टूल के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसे अपना अपन नेटवर्क के लिए अपन ने एक टूल बोला था एनमैप, तो एनमैप इज अ मोस्ट बेस्ट टूल जो सबको पता है, और बहुत नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, तो एनमैप को अपन कैसे यूज कर सकते हैं ना, तो उसके रिलेटेड भी अपन सर्च करते, तो एनमैप को जैसे अपन ने एंटर किया तो एनमैप का पूरा हेल्प सिस्टम ओपन हो गया, जिसमें अपन जितने भी कमांड है कौन सी कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी स्क्रिप्ट या कैसे एग्जीक्यूट करनी है, सारा का सारा आप लोगों को एनमैप का इसमें मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो कमांड वगैरह कौन सी कैसे देनी पड़ती है इसके रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो गाइस और किसी और चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं, तो देखो गाइस जितने भी टूल है ना सब बेस्ट से बेस्ट है, अगर आपको कोई और टूल इंस्टॉल करना है तो आपको इसमें गिट, आपको पता है गिटअप, गिटअप की रिपोजिटरी से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको गिट क्लोन करके आप जैसे ही इसके आगे वो लिंक पेस्ट करेंगे गिटअप का, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब चीज़ें बेस्ट से बेस्ट है इसमें। और लिनक्स के बारे में तो आपको ये सारा का ओवरव्यू हो गया, आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, आप इसका डेस्कटॉप का सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको शॉर्टकट में एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, एक यूआरएल बना सकते हो, एक फोल्डर बना सकते हो। तो कमांड वगैरह कैसे देनी कौन सी कमांड उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सही चीज़ है, तो आई होप मेरे को लगता है कि लिनक्स से रिलेटेड आपकी जो बेसिक एक्सप्लोइट है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर चीज़ें पूछ सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ कैसे करना है, आप हमें बताओ, कमेंट करो, हम आपको डिटेल में उसका जवाब दे देंगे। तो मेरे को लगता है इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कैसे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे हमारे ऐसे हैकिंग के रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। सो गाइज ऐसे बढ़िया वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरे लगता है अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट में हमको जरूर बताएं आपने क्या समझा, आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बटन को फोड़ देना, तोड़ देना, कुछ भी कर देना, बस लाइक होना चाहिए। और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको ऐसे अच्छा कॉन्टेंट मिलता रहे, और बेल आइकन को हिट कर देना हर नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।